तो रिसेंटली काफी सारी फोटोज वायरल हुई जो कि बसेस की फोटोज थी और इसके ऊपर प्रमोशन था द टॉर्चर्ड पोएट्स डिपार्टमेंट का। जी हाँ, आपको बता दें कि ये टेलर स्विफ्ट के नए लेटेस्ट एल्बम का प्रमोशन था। उसके बाद से फैंस अपने एक्साइटमेंट को कंटेन नहीं कर पा रहे थे और कमेंट सेक्शन में इन फोटोज को देखने के बाद यही बात कह रहे थे कि वाकई में क्या टेलर स्विफ्ट इंडिया आने वाली है, और फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। दरअसल आपको बता दें, हाल फिलहाल एरस स्टोर पर नज़र आ रहे हैं टेलर स्विफ्ट और 15 मई को काफ़ी सारी इमेजेस सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट होती हुई नजर आई, जहां पर बसेस के ऊपर उनके नए लेटेस्ट एल्बम के पोस्टर्स लगे हुए थे। ये सब 15 मई पर हुआ था। वहीं इन फोटोज को देखने के बाद और उसके ऊपर लगे क्यूआर कोड को देखने के बाद, जो कि सीधे आपको डायरेक्ट करता है नए एल्बम की ओर, तो फैंस ये एक्साइटमेंट से बोलने लगे कि कहीं ना कहीं वो जल्द ही इंडिया आने वाली है और अपना टूर करने वाली है। हाल फिलहाल बात करें टेलर स्विफ्ट की, तो टेलर स्विफ्ट अपना टूर जो है यूरोपियन कंट्रीज में कर रही है और 9 मई से ये टूर जो है किक स्टार्ट हो गया था। इसके बाद आपको बता दें कि जैसे ही फैंस को पता चला कि इंडिया में भी इसका प्रमोशन किया जा रहा है और बसेस के ऊपर फोटोज के ऊपर ये प्रमोशन किया जा रहा है, तो फैंस काफी एक्साइटेड हो गए। जहां एक यूजर ने लिखा कि क्या वो इंडिया आने वाली है, अगर वो इंडिया आती है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं, और एक इंसान लिखते हैं कि अपना टाइम फाइनली आ गया है, अब वो इंडिया आ ही जाएगी। इंडियन स्विफ्टीज यानी कि इंडियन टेलर स्विफ्ट के फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं और अब वो यही बात कह रहे हैं कि फाइनली इट्स आवर टाइम टू शाइन। देखना होगा कि टेलर स्विफ्ट अपने टूर के अंदर इंडिया को इंक्लूड करती है नहीं। हाल फिलहाल उन्होंने रिसेंटली अपने नए गाने भी जोड़े हैं द टॉर्चर्ड पोएट्स डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि है बट डैडी आई लव हिम, सो हाई स्कूल, हू इज़ अफ्रेड ऑफ लिटिल ओल्ड मी, डाउन बैड, फॉर्ट नाइट, द स्मॉलेस्ट मैन हू एवर लिव्ड, आई कैन डू इट विद अ ब्रोकन हार्ट। जी हाँ दोस्तों, ये गाने उन्होंने ऐड किए हैं। तो आपको भी क्या लगता है, टेलर स्विफ्ट को इंडिया अपना टूर करने आना चाहिए नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।